और अब नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को दी 7600 करोड़ की सौगात, वर्चुअली जुड़कर किया उद्घाटन, कई विकास परियोजना की आधारशिला रखी, कहा महाराष्ट्र में तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस राज्य में सिर्फ घोटाले होते थे, इनके राज्य में तेजी से भ्रष्टाचार हुआ, देश को बांटने के लिए कांग्रेस नए नैरेटिव गढ़ रही। हरियाणा के नतीजों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर तंज, कहा हरियाणा में कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, किसानों को भड़काने की कोशिश की, कांग्रेस का फॉर्मूला बांटो और सत्ता पाओ। हरियाणा में सरकार गठन पर दिल्ली में हलचल, प्रधानमंत्री आवास पर पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम सैनी ने की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम सैनी को ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी, एक्सपर पोस्ट के लिखा विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। सीएम सैनी का दिल्ली दौरा, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी की मुलाकात। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी से फोन पर की बात, मुख्यमंत्री ने पीएम नरेंद्र मोदी को हरियाणा जीत पर बधाई। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने बीजेपी की तारीफ की, कहा हरियाणा में बीजेपी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा, बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीती, अति आत्मविश्वास से कांग्रेस की हार। आज शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, पीएम नरेंद्र मोदी ने मां कालरात्रि की स्तुति का वीडियो किया शेयर, लिखा माता की कृपा से उनके सभी भक्तों का जीवन भयमुक्त हो। 20 अक्टूबर को वाराणसी जाएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, वाराणसी को कई विकास योजनाओं की देंगे सौगात। गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे उत्तराखंड, जाएंगे देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल, उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की कांग्रेस को नसीहत, उमर अब्दुल्ला ने कहा कांग्रेस को नतीजों पर विचार करना चाहिए, उन्हें गहराई में जाकर सोचना होगा, राजभवन का रास्ता नापने वाले घर बैठे। यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की लिस्ट, सूची में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर हल से तेज प्रताप यादव को टिकट, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी प्रत्याशी। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले का एक्सीडेंट, मंत्री को आई गंभीर चोटें, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरबीआई मॉनिटरी कमेटी की हुई मीटिंग, 10वीं बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं, फरवरी 2023 में 6.5% पर रेपो रेट कायम, आरबीआई ने महंगाई का रेट लक्ष्य 4% रखा। शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, मंदिरों में मां कालरात्रि की हो रही पूजा अर्चना, सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी कतार, मां के जयकारे से गूंजा मंदिर। पुणे गैंगरेप केस में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इनाम का ऐलान, पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया, कोंदवा इलाके में 4 अक्टूबर को हुआ था गैंगरेप। लखनऊ में आग का तांडव, एक गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख, मौके पर मौजूद दमकल की टीम। जम्मू कश्मीर में कांपी धरती, अनंतनाग में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 रही। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 11 हाथियों के दल ने जमकर मचाया उत्पात, दर्जनों किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया, वन विभाग लगातार कर रहा निगरानी।